आप एंजल्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एंजल को बुलाना चाहते हैं तो आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं, उनका नाम लेकर उन्हें बुला सकते हैं और आप उनकी प्रेजेंस फील कर पाएंगे। ऐसा हम लोगों ने कई बार महसूस किया है और एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली जब हमने मेडिटेशन किया, एंजेलिक मेडिटेशन। अब आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों में से कई लोगों को या तो लाइट फॉर्म में या प्रेजेंस आपको महसूस होगी। आप अपने जो भी आपके मन में विचार हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी सवाल हैं, वो सब आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने ब्रेन के थ्रू उन तक कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं और आपको जवाब दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इस कम्युनिकेशन से आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। आप चाहें तो आप कैंडल जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, कोई हल्का सा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। और जैसे ही आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो जाए, वैसे ही एक नोटबुक हैंडी रखिए जिसमें आप वो सब लिखेंगे जो आपने उस समय महसूस किया या जो मैसेज आपने डिराइव किया। ये आपको समझने में हेल्पफुल रहेगा कि मैसेज क्या था। और जब आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो जैसे कई बार होता है ना, हमें ऐसा लगता है हमारी एनर्जीज लो हो रही है, तो वो एनर्जीज वापस से रिज्यूवनेट हो जाती है, वो एनर्जीज वापस से सही हो जाती है, आप दोबारा से एनर्जेटिक हो जाते हैं। एक और तरीका है एंजल से कम्युनिकेट करने का, वो है कि आप एक लेटर लिखें। अब लेटर आप कितना लंबा लिखेंगे, ये कोई मार्क्स वाला लेटर या फॉर्मल लेटर नहीं लिखना है, ये आप अपने एंजल्स को लिख रहे हैं। आप इसमें जितना लंबा चाहे उतना लंबा लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। और आपको इसमें एकदम क्लियर रहना है और आप ये मान के चलिए कि आप अपने एंजल्स को लेटर लिख रहे हैं तो वहां से जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वही थॉट प्रोसेस आपका रहना चाहिए कि आप बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ ये लेटर लिखेंगे। जैसे आप इसमें एग्जांपल मैंने एक लिया है कि अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि आप जो भी आप फेस कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो उसमें आप एंजल्स से गाइडेंस मांगेंगे कि एंजल्स आपको रास्ता दिखाए या आपको तरीका बताएं जिससे कि आप इस सब को क्लियर कर सके और आप अपने परिवार में दोबारा से प्यार ला सके। इस लेटर को आप लिखने के बाद इसमें कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल की डालेंगे, ये ऑप्शनल है। देखिए एसेंशियल ऑयल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंजल्स खुशबू से अट्रैक्ट ऑयल है आपके पास तो उसे जरूर यूज कीजिए। और फिर आप इसे अपने पास रख सकते हैं, चाहे तो इस लेटर को तो भी जगह, फिर आप इसको पढ़िए। जितनी बार आपको थोड़ा सा लो फील हो आप इसको दोबारा से पढ़िए। और जब भी आप पढ़े तो आप ये महसूस करिए कि एंजल्स इस पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हैं।
फिर दो या तीन दिन के बाद या जब भी आपको गाइडेंस मिले, आप इस लेटर को जला दीजिए और इसकी जो एशेस होंगी, जो राख बचेगी, उसे आप अपने गार्डन में डाल दीजिए, ये मानते हुए कि एंजल्स ने आपकी हर प्रॉब्लम को समझा है, जाना है, और अब वो आपके भले के लिए उस पे काम कर रहे हैं। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है कनेक्शन का, और इससे आपको कई सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं।